आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने की परंपरागत ढंग से अपने गुरुओं की पूजा। कहा, माता पिता, आचार्य, बड़ा भाई, कुल पुरोहित होते हैं गुरु, किसी न किसी रूप में प्राप्त होता रहता है इन पांच गुरुओं का मार्गदर्शन। गोला थाना क्षेत्र में शनिवार को ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। उर्वा ब्लॉक के सेक्रेटरी की अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े धारदार हथियार से मारकर की हत्या। परिजनों ने लड़की पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। कहा, गैर बिरादरी की लड़की से शादी करने पर हुई हत्या। एसएसपी ने कहा, जल्द होगा घटना का खुलासा, आरोपियों पर होगी एनएसए के तहत कार्यवाही। शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, निस्तारण का दिया भरोसा। कहा, सबके साथ होगा इंसाफ। ग्राम पंचायत अधिकारी की पत्नी ने किया सुसाइड। आत्महत्या के पहले बनाई वीडियो को किया वायरल। एसएसपी ने कहा, वायरल वीडियो के तहत आरोपियों पर की जाएगी कार्यवाही। सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक। शासन के विकास योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश। नगर आयुक्त ने शनिवार को महानगर के जलभराव वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा, जलभराव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है विशेष नाला सफाई अभियान। खाली प्लॉटों के मालिकों को नगर निगम जारी करेगा नोटिस। शनिवार को जिला अस्पताल सहित 31 केंद्रों पर 7409 लोगों को किया गया कोविड के वैक्सीनेशन। एडिशनल सीएमओ ने कहा, वैक्सीनेशन कराते समय करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहे सुरक्षित। गोरखपुर पुलिस के डॉग स्क्वाड टीम की सबसे शक्तिशाली डॉग लिली की शुक्रवार को हुई मौत। पुलिस सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। गोरखपुर में शनिवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,354। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 33 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित हुए दुर्गेश बजाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तियों ने दी शुभकामनाएं। शासन के निर्देश पर महीने के दूसरे शनिवार को सभी थानों पर आयोजित हुआ संपूर्ण थाना समाधान दिवस। फरियादियों की फरियाद सुनकर किया गया निस्तारण। द चीयर्स फॉर इंडिया के प्रवासी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामना भेजने के लिए चलाए जा रहे चीयर्स फॉर इंडिया कार्यक्रम की दी जानकारी। कहा, खिलाड़ियों को ऑनलाइन शुभकामना भेजकर बढ़ाया जा सकता है मनोबल। और शासन के निर्देश पर शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू साप्ताहिक बंदी के तहत शनिवार को बंद रही महानगर की दुकानें। साप्ताहिक बंदी का मिला जुला रहा असर।